हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू विराट आईएएस। हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप्स की है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जो ब्याज की दरें हैं उनको कंट्रोल करना और उससे लिक्विडिटी को यानी तरलता को कंट्रोल करना, यानी मनी के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी कैश को कंट्रोल करना है। तो मौद्रिक नीति दो टाइप की है। पहली है सस्ती मौद्रिक नीति, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। इससे देखो क्या होता है, इससे मुद्रा का विस्तार होता है और इससे ब्याज की दरें कम की जाती हैं। इससे क्या होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो जनता बैंकों से ज्यादा उधार लेगी और लिक्विडिटी यानी पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा। इससे औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होगा, इस नीति से आर्थिक मंदी को दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि पैसा आ जाता है तो मंदी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे धन का फ्लो बढ़ेगा, मनी का फ्लो बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो मौद्रिक नीति का पहला टाइप हो गया सस्ती मौद्रिक नीति। इसका दूसरा टाइप है कठोर मौद्रिक नीति। देखो, इसके तहत क्या होगा, इससे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देगा। और आप जानते हो, जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो जनता उधार कम लेती है और अपना पैसा बैंक में जमा करना पसंद करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ब्याज दरें बढ़ी हुई थी तो फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़े हुए थे, एफडी के रेट बढ़े हुए थे। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, और इसलिए की जाती है ताकि लिक्विडिटी को कंट्रोल करके महंगाई को काबू में किया जा सके। हालांकि इससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उस पर नेगेटिव असर पड़ता है, वो घटती है। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।